हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सायन घोष आर्ट। तो आज की इस वीडियो पे मैं बना रहा हूँ मिताली चक्रवर्ती मैम का ड्राइंग। ये रहा मेरा रेफरेंस इमेज। ये रेफरेंस इमेज मैं फेसबुक से डाउनलोड किया था एंड मैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर, जो कि बहुत ही अच्छा है ड्राइंग करने के लिए। आप लोग चाहे तो ये पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस पेपर से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टोन दे पाओगे अपने ड्राइंग के ऊपर। बहुत ही रियलिस्टिक ड्राइंग होगा इस पेपर की मदद से। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रिड मेथड। पहले मैं ग्रिड मेथड से आउटलाइन बना लूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि कैसे कलर पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं चारों साइड पे 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के मार्क कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही अपने ड्राइंग पेपर के ऊपर 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के मार्क कर लेना एंड अपने रेफरेंस इमेज के ऊपर भी 2 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के मार्क कर लेना। जो मार्क किया था उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेना। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद आप लोग साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्क्वायर बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। इसे कहते हैं ग्रिड। लोगों को ग्रिड हो जाने के बाद आप लोग बॉक्स के ऊपर नंबरिंग कर देना 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके एंड नीचे की तरफ भी। तो आप लोग जब ड्राइंग करोगे तो कौन से बॉक्स पे ड्राइंग करना है आप लोग इजीली पहचान जाओगे एंड वहाँ पे आप लोग ड्राइंग इजीली कर पाओगे। पहले अपना रेफरेंस इमेज को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करना, उसके बाद आप लोग ड्राइंग को स्टार्ट करना। आप लोग ध्यान से देखना कौन से बॉक्स पे कौन सा पोर्शन है, उसके बाद आप लोग ड्राइंग करना। अगर कोई भी गलत बॉक्स पे आप लोग ड्राइंग कर देते हो तो आपका ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम केयरफुल होकर ड्राइंग को बनाना, एकदम फोकस रखना ड्राइंग के ऊपर एंड आप लोग जब आउटलाइन बनाओगे तो एकदम हल्के प्रेशर के मदद से ड्राइंग बनाना। ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है। अगर ज़्यादा डार्क बना देते हैं तो जब इरेज करना पड़ेगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ब्लैक स्पॉट रह जाएगा एंड कलर पे वो इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। अगर आप लोग पेंसिल सेट करते हैं उस हिसाब से आप लोग को आप लोग ठीक कर सकते हो, लेकिन कलर के जब आप लोग कलर बनाओगे वहाँ पे जो स्पॉट होगा वो दिखने में ख़राब हो जाएगा आपका ड्राइंग। तो इसलिए एकदम केयरफुल होकर ड्राइंग करना। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहो एंड जिस जिस पोर्शन पे मुझे लगता है कि बोलना पड़ेगा तो उस पोर्शन पे मैं बोलूँगा। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करते रहो। आप लोग धीरे धीरे हेयर का जो डायरेक्शन है उसे सेट कर देना एंड जब कलर करोगे आप लोगों को इजी हो जाएगा कलर करने में। तो आप लोग हेयर का जिस पोर्शन पे डायरेक्शन है वहाँ पे आप लोग डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे मैं आईब्रो एंड आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोग एकदम ध्यान से ड्रॉ करना, एकदम हल्के से ड्राइंग करना। अगर कोई भी मिस्टेक होता है आप लोग इरेज कर सकते हो, इसलिए एकदम लाइट प्रेशर की मदद से ड्राइंग करना, क्योंकि ये फेस है तो यहाँ पे ज़्यादा डार्क हो गया
ड्राइंग, तो इरेज जब करोगे तो एक ब्लैक स्पॉट रह जाएगा, एंड आप लोग जब कलर करोगे तो वो ब्लैक स्पॉट आप लोगों का जो ड्राइंग है उसे ख़राब कर देगा। इसलिए एकदम लाइट पेसर की मदद से ड्राइंग करना। यहाँ पे मेरा आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है, एंड मैं यहाँ पे पेंसिल यूज़ करूँगा ब्रूस्टो कंपनी का। इस पेंसिल के मदद से मैं इस ड्राइंग का आई जो है आई को बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले ब्राउन कलर ले रहा हूँ। ब्राउन कलर हो जाने के बाद मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ। डार्क ब्राउन यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लैक पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा डार्क होगा ड्राइंग, तो आप लोग ऐसे ही ड्रॉ करना। एंड जिस पोर्शन पर हाईलाइट है वहाँ पे मैं अब जेल पेन की मदद से हाईलाइट दे रहा हूँ। सेम प्रोसेस से आपको दूसरा आई बनाना है, तो आप लोग इस तरह से ध्यान से ड्राइंग को बनाना। ये वीडियो थोड़ा फास्ट है, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग स्किप कर दोगे, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। एंड आप लोग धीरे धीरे करके ड्राइंग करना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ कर रहा हूँ स्किन टोन देने के बाद यहाँ पे मैं उंगलियों के मदद से ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड जिस पोर्शन पे लाइट है वहाँ पे लाइट छोड़ देना है, वाइट पोर्शन छोड़ देना है। आप लोग देख रहे हैं मैं वाइट पोर्शन को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से आप लोग वाइट पोर्शन को छोड़ देना एंड उंगलियों के मदद से ब्लेंड कर लेना। उसके बाद आप लोग कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। यहाँ पे मैं पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ। जिस पोर्शन पे पिंक कलर है वहाँ पे मैं पिंक टोन दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे टोन दे देना। उसके बाद मैं यहाँ पे लिप्स कर रहा हूँ रेड कलर एंड ब्राउन कलर की मदद से। जिस पोर्शन पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे मैं ब्राउन कलर दे रहा हूँ, एंड एकदम डार्क जहाँ है वहाँ पे मैं ब्लैक पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही यूज़ कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पे ज़्यादा पसीना आता है तो नीचे का जो कलर किया था वो ख़राब हो सकता था, इसलिए मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो आप लोग टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, तो आपके हाथ पे जो पसीना आता है वो ड्राइंग पे नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का टोन पहले दे रहा हूँ, क्योंकि इस हेयर के ऊपर ब्राउन कलर है, तो मैं पहले ब्राउन कलर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक पेंसिल की मदद से हेयर को ड्रॉ करूँगा, तो हमारा जो ब्राउन हेयर है वो एकदम मैच हो जाएगा ब्लैक कलर के साथ, तो एकदम दिखने में रियलिस्टिक लगेगा। तो आप लोग ऐसे ही ड्रॉ करते रहना। आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहो, एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट भी करना। एंड आप लोग नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से आप लोग ड्राइंग को करना, किस पोर्शन पे कैसा है वो अपने रेफरेंस इमेज को अच्छे से देखना, उसके बाद ड्रॉ करना। हेयर पे अच्छे से नोटिस करना कहाँ पे राउंड है कहाँ पे कर्ली है, वो चीज़ आप लोग पहले नोटिस कर लेना, उसके बाद आप लोग ड्राइंग करना। यहाँ पे देख सकते हैं हेयर कितना रियलिस्टिक हुआ है। यहाँ पे जिस पोर्शन पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पर मैं फिर से ब्लैक दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग कटर लेना, पेंसिल कटर, उसके बाद आप लोग स्क्रैच कर देना, इससे हाईलाइट्स ज़्यादा आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हेयर कितना रियलिस्टिक आया है। आप लोग सेम प्रोसेस से पूरा हेयर को ड्रॉ कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग स्किन टोन देना फिर से, सेम प्रोसेस में मैं दे रहा हूँ। आप लोग देख लेना कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क है। लाइट पोर्शन पे आप लोग छोड़ के रखना एंड डार्क पोर्शन पे डार्क करना। यहाँ पे मैं पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके ऊपर वायलेट कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे ही करते रहना ड्रेस पे। तो आप लोग देखना कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है एंड किस पोर्शन पे वाइट है वहाँ पे आप लोग छोड़ के रखना, वहाँ पे आप लोग को हाईलाइट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक ड्राइंग हो रहा है, तो आप लोग ऐसे ही ड्राइंग करते रहना।
बाकी का पोर्शन सेम था, इसलिए मैं वो चीज़ और नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप लोग वैसे सेम प्रोसेस के मदद से ड्राइंग कर लेना, एंड थोड़ा थोड़ा हेयर मैं यहाँ पे शॉर्ट करके निकाल दे रहा हूँ। तो हमारा जो ड्राइंग था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा।